नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको ले चलते हैं ज्ञान और समझ की यात्रा पर, उस विरासत को साझा करते हुए जो हमें सदियों से बौद्ध धर्म के माध्यम से मिली है। आज की कहानी न केवल हमें जीवन के गहरे अर्थों पर विचार करने का अवसर देगी, बल्कि यह हमें उन सिद्धांतों की याद दिलाएगी जो हमें शांति, समर्पण और सच्चे सुख की ओर ले जा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस प्रेरणादायक कहानी में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि हम अपने जीवन में इन बौद्ध शिक्षाओं को कैसे उतार सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं में घमंड को एक ऐसी अवस्था माना गया है जो मानव को उसकी असली प्रकृति और ध्यान के मार्ग से दूर करती है। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। वहां एक ब्राह्मण रहता था जो अपने ज्ञान और उच्च कुल के प्रति बहुत घमंडी था। उसने सुना कि बुद्ध एक महान शिक्षक हैं और वह उनसे मिलने गया। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा, उसने अपने ज्ञान और उच्च कुल की डींग हांकना शुरू कर दिया। बुद्ध शांति से उसकी बातें सुनते रहे। जब वह ब्राह्मण थक कर चुप हुआ, तब बुद्ध ने उसे एक साधारण सी बात कही। बुद्ध ने कहा, जब तुम किसी कप में पानी भरते हो और वह पूरी तरह से भर जाता है, तब उसमें और पानी नहीं समा सकता। उसी प्रकार जब मन अहंकार से भरा होता है, तो उसमें ज्ञान की कोई भी नई बात समा नहीं सकती। ब्राह्मण चकित रह गया। उसे समझ आ गया कि उसका घमंड उसे नई बातें सीखने से रोक रहा था। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और माफी मांगी। बुद्ध ने उसे क्षमा कर दिया और कहा, विनम्रता में ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। इसके माध्यम से बुद्ध ने हमें सिखाया कि घमंड हमारे विकास को रोकता है और हमें सच्चाई से दूर ले जाता है। विनम्रता और खुले दिमाग से ही हम जीवन में सच्चे ज्ञान और शांति की ओर बढ़ सकते हैं। बुद्ध धर्म में घमंड को अज्ञानता का एक रूप माना जाता है, जो व्यक्ति को उसके असली स्वरूप और बुद्धत्व की प्राप्ति से दूर रखता है। घमंड हमें अहंकार की गहराई में धकेल देता है और हमारे हृदय को करुणा और समझदारी से वंचित कर देता है। बौद्ध शिक्षाओं के अनुसार सभी प्राणियों में बुद्धत्व की क्षमता होती है और हमें सभी के प्रति समान दृष्टि रखनी चाहिए। एक सम्राट ने गौतम बुद्ध से मिलने का निश्चय किया। सम्राट अपनी समृद्धि, शक्ति और राजसी वैभव के कारण बहुत घमंडी था। वह बुद्ध के पास पहुंचा और अपनी उपलब्धियों की गाथा गाने लगा, ये दर्शाने की कोशिश करते हुए कि वह कितना महत्वपूर्ण व्यक्ति है। बुद्ध ने सम्राट की बातें धैर्य से सुनी और फिर एक साधारण सा प्रश्न पूछा, यदि आप एक नाव में सवार हों और वह नाव डूबने लगे, तो क्या आपका घमंड आपको बचा सकता है? सम्राट कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर उसे एहसास हुआ कि उसकी सारी समृद्धि और शक्ति उस पल में व्यर्थ है। उसे समझ में आया कि सच्ची समझदारी और शक्ति अहंकार में नहीं, बल्कि विनम्रता और सच्चाई में निहित है। सच्ची महानता और शांति उन लोगों में होती है जो अपने घमंड को पहचानते हैं और उसे त्यागने का साहस रखते हैं। विनम्रता और करुणा ही वास्तविक ज्ञान के द्वार हैं। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे, तभी एक व्यक्ति आया और बुद्ध पर गुस्से में गालियां बकने लगा। बुद्ध शांत बैठे रहे और उस व्यक्ति की एक भी बात का उत्तर नहीं दिया। जब वह व्यक्ति थक गया और चला गया, तब एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, उस व्यक्ति ने आपको इतना अपमानित किया, आपको गुस्सा क्यों नहीं आया? बुद्ध ने उत्तर दिया, अगर कोई तुम्हें उपहार देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह उपहार किसके पास रहता है? शिष्य ने कहा, वह उपहार उसी के पास रहेगा जिसने उसे दिया है। बुद्ध ने कहा, ठीक उसी प्रकार जब कोई तुम पर अपना क्रोध, अपनी नाराजगी उंडेलता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह क्रोध उसी के पास रहता है। बुद्ध ने यह सिखाया कि हमारा दिमाग क्रोधित तब होता है जब हम बाहरी परिस्थितियों या व्यक्तियों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित नहीं कर पाते। अगर हम क्रोध को स्वीकार नहीं करते, तो वह हमारे अंदर नहीं बसता। यह हमें शांति और समझदारी से प्रतिक्रिया देने की कला सिखाता है।
बौद्ध धर्म में क्रोध से बचने के लिए विभिन्न तरीके और हैं। यहाँ वे समझदारी से प्रतिक्रिया दें, समय लें। तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय गहरी सांस लें और कुछ पल के लिए रुकें। इससे आपको अपनी प्रतिक्रिया पर विचार करने का समय मिलता है। 2. करुणा का अभ्यास करें। दूसरे के दृष्टिकोण को समझें। किसी के प्रति क्रोधित होने से पहले उनकी स्थिति और परिस्थितियों को समझने की कोशिश करें। कभी कभी वे खुद दुखी होते हैं या उन्हें समस्याएं होती हैं जिनसे वे जूझ रहे होते हैं। 3. मन को शांत रखें। ध्यान और माइंडफुलनेस, नियमित ध्यान और माइंडफुलनेस अभ्यास से आपका मन शांत और संयमित रहता है, जिससे क्रोध कम होता है। 4. स्वीकार्यता स्थितियों को स्वीकार करें। हर स्थिति को बदलना संभव नहीं होता। कुछ परिस्थितियों को जैसी हैं वैसी स्वीकार करना सीखें। 5. आत्म अवलोकन, आत्म मंथन। जब आप क्रोधित होते हैं तो उसके मूल कारण को जानने की कोशिश करें। ये समझने की कोशिश करें कि आपका क्रोध वास्तव में क्या संकेत दे रहा है। 6. संवाद का अभ्यास करें। स्पष्ट और करुणामयी संवाद अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट और शांत तरीके से व्यक्त करने का अभ्यास करें। इससे गलत फहमियां कम होती हैं। 7. शारीरिक गतिविधियां, शारीरिक व्यायाम। नियमित रूप से व्यायाम करने से मानसिक तनाव कम होता है, जिससे क्रोध के प्रकोप में कमी आती है। क्रोध से बचने के लिए ये उपाय न सिर्फ आपको आंतरिक शांति प्रदान करते हैं, बल्कि आपके आसपास के वातावरण को भी सकारात्मक बनाने में मदद करते हैं। बौद्ध धर्म में क्रोध को एक नकारात्मक मानसिक अवस्था माना जाता है, जिसके अनेक नुकसान होते हैं। ये नुकसान व्यक्तिगत, सामाजिक और आध्यात्मिक स्तरों पर हो सकते हैं। 1. व्यक्तिगत नुकसान, मानसिक शांति का हानि। क्रोध के कारण व्यक्ति की मानसिक शांति भंग होती है, जिससे चिंता और तनाव बढ़ता है। स्वास्थ्य पर प्रभाव, लंबे समय तक क्रोधित रहने से हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और अनिद्रा जैसी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आत्मनियंत्रण की कमी, क्रोध में व्यक्ति अक्सर आत्मनियंत्रण खो देता है, जिससे उसके निर्णय और व्यवहार प्रभावित होते हैं। 2. सामाजिक नुकसान, संबंधों में तनाव। क्रोध के कारण व्यक्तिगत संबंधों में दरार आ सकती है, चाहे वह परिवार, मित्र या सहकर्मियों के साथ हो। समाज में छवि प्रभावित होना, लगातार क्रोधित रहने वाले व्यक्ति की सामाजिक छवि नकारात्मक हो सकती है, जिससे सामाजिक संबंधों में विघ्न आ सकता है। आध्यात्मिक नुकसान, आध्यात्मिक प्रगति में बाधा। बौद्ध धर्म में आत्म जागरूकता और ज्ञान की प्राप्ति महत्वपूर्ण है। क्रोध की निरंतर उपस्थिति इस यात्रा में बाधा डाल सकती है। कर्मों का नकारात्मक प्रभाव, बौद्ध विचारधारा के अनुसार हर कर्म का एक परिणाम होता है। क्रोध से प्रेरित कर्म नकारात्मक परिणाम ला सकते हैं। क्रोध को नियंत्रित करना और इससे उबरना इन नुकसानों को कम कर सकता है। ध्यान, माइंडफुलनेस और करुणा के अभ्यास से व्यक्ति अपने क्रोध को प्रबंधित कर सकता है और एक अधिक संतुलित और सुखी जीवन की ओर अग्रसर हो सकता है। एक समय की बात है, बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ एक वन में विहार कर रहे थे। एक दिन एक युवा भिक्षु अत्यंत क्रोध में आ गया, क्योंकि उसे लगा कि उसके साथी भिक्षुओं ने उसका अपमान किया है। वह अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। बुद्ध ने इसे महसूस किया और उस भिक्षु को अपने पास बुलाया। उन्होंने पूछा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा क्रोध तुम्हें कैसे प्रभावित कर रहा है? भिक्षु ने जवाब दिया, मैं सिर्फ अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा हूं भगवान। बुद्ध ने एक दीपक जलाया और कहा, देखो इस दीपक की लौ किस तरह से अंधकार को दूर करती है, लेकिन अगर इसे बेकाबू होने दिया जाए तो यह सब कुछ जला सकती है। तुम्हारा क्रोध भी इसी तरह का है। अगर तुम इसे नियंत्रित नहीं करोगे तो यह न सिर्फ तुम्हें बल्कि तुम्हारे आसपास के सभी लोगों को भी नुकसान पहुंचाएगा। बुद्ध ने आगे कहा, क्रोध की आग में जलने की बजाय अगर तुम इसे पहचानो और समझो कि यह क्यों उत्पन्न हुआ है, तो तुम इसे बुझा सकते हो। क्रोध के बजाय करुणा और समझदारी से प्रतिक्रिया करो।
यही सच्ची बुद्धिमत्ता है। इसके माध्यम से बुद्ध ने यह सिखाया कि क्रोध को नियंत्रित करना और इसके प्रभावों को समझना महत्वपूर्ण है। क्रोध वास्तव में मनुष्य का एक बड़ा शत्रु है, जो न सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों को भी दुख पहुंचा सकता है। एक समय की बात है, एक डाकू था जिसका नाम अंगुलीमाल था। उसने 100 लोगों को मारकर उनकी अंगुलियों की माला पहनी हुई थी। वह अपना 100वां शिकार ढूंढ रहा था जब उसकी मुलाकात गौतम बुद्ध से हुई। जब अंगुलीमाल ने बुद्ध को मारने का प्रयास किया, बुद्ध ने उसके प्रति कोई क्रोध या भय प्रकट नहीं किया। बुद्ध शांति से चलते रहे और जैसे जैसे अंगुलीमाल उन्हें पकड़ने का प्रयास करता, बुद्ध उससे दूर होते जाते। फिर भी बुद्ध उससे शांत भाव से बात करते रहे। अंत में अंगुलीमाल थक कर रुक गया और बुद्ध से पूछा, तुम मुझसे डरते क्यों नहीं? बुद्ध ने उत्तर दिया, क्योंकि क्रोध और हिंसा के बावजूद मैं तुम्हें करुणा और मैत्री के साथ देखता हूं। तुम्हारे क्रोध में भी मैं तुम्हारे दुख को देखता हूं और मैं तुम्हें इससे मुक्ति का मार्ग दिखाना चाहता हूं। बुद्ध के इन शब्दों और उनकी करुणा ने अंगुलीमाल के हृदय को छू लिया। उसने अपने पापों का पश्चाताप किया और बुद्ध के शिष्य के रूप में जीवन यापन करने का निश्चय किया। हमें सीखने को मिलता है कि क्रोधित व्यक्ति से निपटने का सबसे अच्छा तरीका करुणा और समझदारी है। जब हम किसी के क्रोध का प्रतिकार शांति और मैत्री से करते हैं, तो हम घमंडी राजकुमार और बुद्ध। किसी राज्य में एक घमंडी राजकुमार था जिसे अपने धन, शक्ति और ज्ञान पर बहुत अभिमान था। वह समझता था कि वह सबसे श्रेष्ठ है और उसे किसी से भी कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। एक दिन गौतम बुद्ध उस राज्य में आए। राजकुमार ने सुना कि बुद्ध ज्ञानी है और उनके पास गहन अंतर्दृष्टि है। घमंड में चूर राजकुमार ने सोचा कि वह बुद्ध को अपने ज्ञान से पराजित कर देगा और सबके सामने उन्हें नीचा दिखा देगा। राजकुमार बुद्ध के पास पहुंचा और उनसे जटिल प्रश्न पूछने लगा, उम्मीद करते हुए कि वह बुद्ध को चुनौती देने में सफल होगा। लेकिन बुद्ध ने शांत और सहज भाव से उसके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दिया और उनके उत्तर इतने गहरे और सार्थक थे कि राजकुमार उनकी बातों का मर्म समझने लगा। अंत में बुद्ध ने राजकुमार से कहा, ज्ञान का असली मूल्य इसमें नहीं है कि आप कितना जानते हैं, बल्कि इसमें है कि आप उस ज्ञान का उपयोग कैसे करते हैं। घमंड आपको वास्तविक ज्ञान से दूर कर देता है। विनम्रता में ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। राजकुमार का घमंड टूट गया और उसने महसूस किया कि वास्तविक ज्ञान विनम्रता और सतत सीखने में है। उस दिन के बाद वह एक परिवर्तित व्यक्ति बन गया, जो जीवन और लोगों के प्रति अधिक खुला और सम्मानजनक था। सीख इस कथा के माध्यम से बुद्ध ने सिखाया कि घमंड हमें सच्चे ज्ञान और आत्मविकास से रोकता है। विनम्रता और खुले दिमाग से हम जीवन में अधिक सीख सकते हैं और एक सार्थक जीवन जी सकते हैं। मन की शांति पाने का रहस्य बौद्ध धर्म में गहराई से छुपा हुआ है। बौद्ध शिक्षाओं के अनुसार मन की शांति पाने के लिए हमें समझना होगा कि सभी दुखों का मूल कारण हमारी अपनी अज्ञानता, लालच और द्वेष है। इसलिए मन की शांति पाने के लिए बौद्ध धर्म में तरीके सुझाता है। 1. ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान मन को शांत और एकाग्र करने का एक प्रमुख उपकरण है। इससे हम अपने मन की गतिविधियों को बेहतर समझ पाते हैं और अवांछित विचारों और भावनाओं को कम कर सकते हैं। 2. संगीत, अच्छी संगत। अच्छे और सज्जन लोगों की संगत में रहना, जो ध्यान और आध्यात्मिक प्रगति के प्रति प्रतिबद्ध हों, हमें सकारात्मक दिशा में प्रेरित करता है। 3. सीखना और अभ्यास। बौद्ध शिक्षाओं और सूत्रों का अध्ययन करना और फिर उन्हें अपने जीवन में लागू करना हमें जीवन के प्रति एक गहरी समझ और सम्मान विकसित करने में मदद करता है। 4. दया और करुणा। दूसरों के प्रति दया और करुणा का भाव रखना और सभी प्राणियों के कल्याण की कामना करना हमें अंदरूनी शांति और संतोष प्रदान करता है। 5. अनिच्छा, अनित्यता का बोध। ये समझना कि सब कुछ नश्वर और परिवर्तनशील है हमें जीवन की अनिश्चितताओं के प्रति अधिक सहिष्णु बनाता है और लालच और आसक्ति को कम करता है। 6. माइंडफुलनेस, सचेतनता।
हर क्षण में पूरी तरह से मौजूद रहना और वर्तमान क्षण का पूरी तरह से आनंद लेना हमें शांति और खुशी प्रदान करता है। 7. आत्मनिरीक्षण, स्वयं के विचारों, भावनाओं और कार्यों पर निरंतर ध्यान देना और उन्हें समझना हमें अधिक आत्मसजग और समझदार बनाता है। इन सभी उपायों को अपनाकर एक व्यक्ति मन की शांति पा सकता है और जीवन में सार्थकता और संतुष्टि की ओर बढ़ सकता है। ये सब मिलकर हमें एक शांतिपूर्ण और संतुलित जीवन जीने की दिशा में ले जाता है। मन की शांति के फायदे अनेक हैं और बौद्ध धर्म में इसे एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक लक्ष्य के रूप में माना जाता है। जब हमारा मन शांत होता है तो हम न केवल अपने जीवन में बेहतर गुणवत्ता का अनुभव करते हैं बल्कि अपने आसपास के लोगों के जीवन पर भी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। यहां कुछ महत्वपूर्ण फायदे हैं। 1. तनाव में कमी। मन की शांति से तनाव, चिंता और अवसाद जैसी मानसिक स्थितियों में काफी कमी आती है जिससे व्यक्ति की जीवन गुणवत्ता बढ़ती है। 2. स्वास्थ्य में सुधार। मन की शांति शारीरिक स्वास्थ्य को भी सुधारती है। तनाव कम होने से हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और अन्य चिकित्सा स्थितियों का जोखिम कम होता है। 3. संबंधों में सुधार। जब हमारा मन शांत होता है हम दूसरों के साथ अधिक सहानुभूति और समझदारी से पेश आते हैं जिससे हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर संबंध सुधरते हैं। 4. निर्णय लेने की क्षमता में सुधार। मन की शांति से हमारी सोच स्पष्ट होती है और हम बेहतर निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। 5. आत्मज्ञान में वृद्धि। शांत मन हमें आत्ममनन और आत्मज्ञान के लिए अधिक समय और स्थान प्रदान करता है जिससे हम अपने आप को और अधिक गहराई से समझ पाते हैं। 6. आध्यात्मिक प्रगति। मन की शांति आध्यात्मिक पथ पर प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह हमें उच्च आध्यात्मिक अवस्थाओं तक पहुंचने में सहायता करती है। 7. समग्र खुशी में वृद्धि। मन की शांति से हमें छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती है और हमारे जीवन में समग्र खुशी की अनुभूति होती है। इन फायदों को पाने के लिए बौद्ध धर्म हमें ध्यान, माइंडफुलनेस और नैतिक जीवन जीने की शिक्षा देता है। बिल्कुल, मन की शांति हमें जीवन की सही दिशा दिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बौद्ध दर्शन के अनुसार मन की शांति से हम अपने आप में गहराई तक जा पाते हैं और अपने असली स्वभाव को समझ पाते हैं। जब हमारा मन शांत और स्थिर होता है तब हम बाहरी दुनिया की भ्रांतियों और विक्षेपों से परे जाकर अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने में सक्षम होते हैं। 1. आत्म साक्षात्कार। मन की शांति हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। जब हम अंतर्मुखी होते हैं और हमारा मन शांत होता है तो हमें अपने आत्मा की गहराइयों से जुड़ने और उसकी असलियत को समझने का मौका मिलता है। 2. सही निर्णय। मन की शांति हमें सही निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करती है। जब हमारा मन शांत होता है तब हम अधिक स्पष्टता से सोच सकते हैं और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों को समझदारी से ले सकते हैं। 3. धैर्य और सहनशीलता। मन की शांति हमें धैर्य और सहनशीलता सिखाती है जो जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मददगार होती है। इससे हमें जीवन की सही दिशा में आगे बढ़ने का संकेत मिलता है। 4. अंतरात्मा की आवाज। मन की शांति हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने का अवसर देती है। जब हम आंतरिक रूप से शांत होते हैं तो हमारी अंतरात्मा की आवाज हमें जीवन की सही दिशा में ले जाती है। 5. सार्थकता की खोज। मन की शांति हमें अपने जीवन में सार्थकता और उद्देश्य की खोज में मदद करती है। इससे हम अपने जीवन को और अधिक सार्थक और पूर्ण बनाने की दिशा में प्रेरित होते हैं। इस प्रकार मन की शांति एक ऐसा मूल्यवान उपहार है जो हमें जीवन की सही दिशा और उद्देश्य को समझने में मदद करता है और बौद्ध धर्म हमें इसे प्राप्त करने के लिए ध्यान, सचेतनता और सही जीवन शैली की ओर मार्गदर्शन करता है। मन की शांति अत्यंत महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने सिखाया कि मन की शांति ही
हमें दुख से मुक्ति दिला सकती है और सच्ची खुशी की ओर ले जा सकती है। मन की शांति हमें अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, हमारी आत्म जागरूकता को बढ़ाती है और हमें जीवन के प्रति अधिक सचेत और संवेदनशील बनाती है। 1. दुख से मुक्ति आओ। बौद्ध धर्म में दुहक का गहरा विश्लेषण किया गया है और मन की शांति दुख से मुक्ति का एक मार्ग है। शांत मन से ही हम जीवन के दुखों को समझ सकते हैं और उनसे उबर सकते हैं। 2. सुझान। मन की शांति हमें खुद को बेहतर तरीके से समझने का अवसर देती है। इससे हमें अपनी आंतरिक क्षमताओं और कमजोरियों का पता चलता है, जिससे हम अधिक सचेत और संतुलित जीवन जी सकते हैं। 3. सही निर्णय। जब हमारा मन शांत होता है तो हम अधिक स्पष्टता और तटस्थता से सोच सकते हैं। इससे हमें जीवन के निर्णयों में सही चुनाव करने में मदद मिलती है। 4. संबंधों में सुधार। मन की शांति हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर संबंधों को भी सुधारती है। शांत मन से हम दूसरों के प्रति अधिक सहिष्णु, करुणामय और समझदार बनते हैं। 5. समग्र स्वास्थ्य। मन की शांति हमारे मानसिक, शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होती है। यह तनाव, चिंता और अवसाद को कम करती है और जीवन में संतोष और खुशी लाती है। इसलिए बौद्ध दर्शन के अनुसार मन की शांति केवल जीवन में वैकल्पिक नहीं है, बल्कि एक आवश्यकता है जो हमें सच्ची खुशी, संतोष और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। कामयाब कैसे बने? एक बौद्ध कहानी है जो हमें सिखाती है कि सफलता और खुशी पाने का रास्ता क्या है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जो बहुत ही मेहनती और लगनशील था। वह हमेशा सोचता था कि वह अपने जीवन में कामयाब कैसे बन सकता है। एक दिन उसने सुना कि पास के जंगल में एक बुद्धिमान आर्ष रहते हैं जो लोगों को सफलता के रहस्य बताते हैं। युवक ने तय किया कि वह आर्ष से मिलेगा और उनसे सफल होने का मार्ग पूछेगा। वह लंबी यात्रा के बाद आर्ष के आश्रम पहुंचा। आर्ष ने उसे बड़े प्यार से स्वीकार किया और उसके प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हुए। आर्ष ने कहा, सफलता पाने के लिए तुम्हें पहले अपने मन को नियंत्रित करना सीखना होगा। तुम्हारा मन ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु भी। उन्होंने आगे कहा, तुम्हें अपने भीतर के लोभ, क्रोध और मोह को जीतना होगा। जब तुम इन पर विजय पालोगे तो तुम्हारे लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होगा। युवक ने आर्षि के शब्दों को गंभीरता से लिया और अपने जीवन में उन्हें उतारने का प्रण लिया। वह रोजाना ध्यान करने लगा, अपने मन को नियंत्रित करने की कोशिश करने लगा और अपनी इच्छाओं पर विजय पाने लगा। समय के साथ युवक ने अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन महसूस किया। वह न केवल बाहरी दुनिया में बल्कि अपने भीतरी दुनिया में भी सफल हुआ। उसने सीखा कि सच्ची सफलता और खुशी अपने मन को नियंत्रित करने और अपने आंतरिक शत्रुओं को जीतने में है। हमें सफलता की कुंजी हमारे अपने भीतर है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेते हैं और अपने नकारात्मक विचारों और इच्छाओं पर विजय पा लेते हैं, तब हम अपने जीवन में सच्ची सफलता और खुशी पा सकते हैं। 1. 8 गुना मार्ग। बौद्ध धर्म के अनुसार 8 गुना मार्ग सही दृष्टिकोण, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही जीविका, सही व्यायाम, सही स्मृति और सही समाधि पर आधारित है। इन 8 अंगों का अनुसरण करके एक व्यक्ति दुख से मुक्ति पा सकता है और आंतरिक शांति और सफलता को प्राप्त कर सकता है। 2. करुणा और मैत्री। दूसरों के प्रति करुणा और मैत्री दिखाने से न केवल समाज में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बल्कि यह आत्मा को भी संतुष्टि प्रदान करता है। दूसरों की सहायता करने से हमें आंतरिक खुशी मिलती है, जो कामयाबी का एक महत्वपूर्ण आधार है। 3. मध्यम मार्ग। बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग का सुझाव दिया गया है, जो अतिवाद और अल्पवाद के बीच का रास्ता है। जीवन में संतुलन बनाए रखने से हमें अंतर्निहित संतोष मिलता है, जो सफलता को परिभाषित करता है। 4. समझ और जागरूकता। बौद्ध धर्म समझ और जागरूकता को महत्व देता है। अपने मन और आसपास की दुनिया को समझने से हमें अधिक संतुलित और प्रभावी निर्णय लेने में मदद मिलती है। 5. ध्यान और समाधि। ध्यान और समाधि के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को शांत कर सकता है और अधिक फोकस्ड बन सकता है। यह व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों ही स्तरों पर सफलता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण है। 6. कर्म का सिद्धांत। कर्म का सिद्धांत यह सिखाता है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य को आकार देते हैं। अच्छे कर्म करके हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी
एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। इन सिद्धांतों का पालन करके एक व्यक्ति न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में कामयाब हो सकता है, बल्कि वह एक सुखी और सार्थक जीवन भी जी सकता है। एक छोटे से गांव में विहान नामक एक युवक रहता था। विहान बहुत मेहनती और सपने देखने वाला व्यक्ति था। वह हमेशा से जीवन में कुछ महान हासिल करने की चाहत रखता था। हालांकि वह अक्सर निराश हो जाता था, क्योंकि उसे अपनी कामयाबी का मार्ग नहीं मिल रहा था। एक दिन विहान ने एक पुराने बौद्ध भिक्षु के बारे में सुना, जो गांव के पास एक शांत जंगल में रहता था। विहान ने फैसला किया कि वह भिक्षु से मिलेगा और जीवन में सफलता का राज जानेगा। जब विहान भिक्षु से मिला तो उसने अपनी सारी परेशानियां उन्हें बताई और कामयाबी का मार्ग पूछा। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, विहान, सफलता का मार्ग तुम्हारे भीतर ही है, तुम्हें बस इसे पहचानना है। भिक्षु ने विहान को 3 सिद्धांत सिखाए, संतुलन, मध्यम मार्ग। भिक्षु ने समझाया कि जीवन में अत्यधिक कठिनाई और अत्यधिक सुख दोनों ही असंतुलन पैदा करते हैं। संतुलन ही सफलता की कुंजी है। आत्म जागरूकता, अपने मन, शरीर और आत्मा को समझने से ही वास्तविक ज्ञान मिलता है। विहान को ध्यान और स्वयं की गहराई से परिचित होने की शिक्षा दी गई। कर्म का सिद्धांत समझाते हुए भिक्षु ने कहा कि हमारे हर कर्म का परिणाम होता है, अच्छे कर्मों से ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। विहान ने इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारा। उसने संतुलन के साथ जीवन जीना शुरू किया, ध्यान के माध्यम से आत्म जागरूकता विकसित की और हमेशा अच्छे कर्म करने की कोशिश की। समय के साथ विहान को न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में सफलता मिली, बल्कि वह अपने समुदाय के लिए भी एक प्रेरणा बन गया। उसे समझ आ गया कि सच्ची कामयाबी वह है जो आंतरिक शांति और संतुष्टि लाती है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि सफलता के लिए बाहरी उपलब्धियां ही नहीं, आत्मसमझ और आंतरिक शांति भी जरूरी है। बौद्ध धर्म के अनुसार धनी और सफल व्यक्ति बनने के लिए महत्वपूर्ण नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का पालन करना चाहिए, जो व्यक्ति को न केवल धनी बनने में बल्कि एक संतुष्ट और पूर्ण जीवन जीने में सहायता कर सकते हैं। कर्म का सिद्धांत। बौद्ध धर्म में कर्म का महत्व है। अच्छे कर्म करने से अच्छे परिणाम मिलते हैं और बुरे कर्मों से बुरे परिणाम आते हैं। ईमानदारी, दयालुता और मेहनत से अपने काम में सफलता और धनार्जन किया जा सकता है। संतोष। संतोष बौद्ध धर्म में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। व्यक्ति को जो कुछ भी है उसमें संतोष रखना चाहिए। लालच और असंतोष से मन में दुख और कष्ट की उत्पत्ति होती है। उचित आजीविका। बौद्ध अष्टांगिक मार्ग में उचित आजीविका का बहुत महत्व है। व्यक्ति को ऐसे कार्य में संलग्न होना चाहिए जो हानिकारक ना हो, जीवों को पीड़ित न करे और धार्मिक एवं नैतिक मूल्यों का समर्थन करे। दान और परोपकार। दान और परोपकार से न केवल समाज में योगदान होता है, बल्कि यह कर्म में भी सुधार करता है। जितना अधिक आप दूसरों की सहायता करते हैं, उतनी ही अधिक सकारात्मक ऊर्जा और सफलता आपकी ओर आकर्षित होती है। मेडिटेशन और समझ। ध्यान और आध्यात्मिक प्रगति के माध्यम से मन की शांति और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। इससे निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होता है, जो कि सफलता और धनार्जन के लिए आवश्यक है। बौद्ध दर्शन में सफलता को केवल आर्थिक संपन्नता या सामाजिक स्थिति के रूप में नहीं देखा जाता है। इसके बजाय सच्ची सफलता में आंतरिक शांति, संतोष और सभी प्राणियों के प्रति करुणा और प्रेम का विकास शामिल है। इस परिप्रेक्ष्य से गरीबी में रहने वाला व्यक्ति भी सफल हो सकता है, अगर वह इन आध्यात्मिक मूल्यों को अपनाए और उन पर चले। बौद्ध शिक्षाओं के अनुसार कुछ प्रमुख बातें हैं कर्म का सिद्धांत। अच्छे कर्म करके और दूसरों के प्रति करुणापूर्ण व्यवहार करके व्यक्ति अपने भविष्य को बेहतर बना सकता है। ये सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक स्थिति से परे है। संतोष। बौद्ध धर्म में संतोष को एक महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। जीवन में जो कुछ भी है उसमें संतुष्ट रहना और अधिक के लिए अथक परिश्रम करते हुए भी अपने मौजूदा परिस्थितियों में खुश रहना सफलता की ओर एक कदम है। उचित आजीविका। अपने जीवन को धार्मिक और नैतिक मूल्यों के अनुरूप जीना और एक ऐसी आजीविका का चयन करना जो हानि न पहुंचाए, गरीबी की स्थिति में भी व्यक्ति को आध्यात्मिक और नैतिक रूप से सफल बनाता है। ध्यान और माइंडफुलनेस। ध्यान और माइंडफुलनेस के अभ्यास से मन की शांति और समझ बढ़ती है, जो किसी भी परिस्थिति में आंतरिक सुख और संतुष्टि प्रदान कर सकती है। बौद्ध दर्शन में मानसिक स्वास्थ्य और क्षमता को बहुत महत्व दिया जाता है। मानसिक शक्ति और स्पष्टता को बढ़ाने के लिए ध्यान, माइंडफुलनेस और सही जीवन शैली का अभ्यास करने पर जोर दिया जाता है। कुछ आदतें जो दिमाग को कमजोर कर सकती हैं, नकारात्मक सोच। निरंतर नकारात्मक सोच और चिंता मानसिक शक्ति को कमजोर करती है। यह आत्मसंदेह और असुरक्षा को बढ़ावा देती है, जो अंततः निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करती है।
अत्यधिक इच्छाएं और लालच मन को अशांत करते हैं, जिससे संतुष्टि की भावना कम होती है और मानसिक दुर्बलता बढ़ती है। अज्ञानता और अज्ञान, सत्य और ज्ञान की खोज में निरंतर प्रयास न करना और अज्ञानता में रहना मानसिक विकास को रोकता है। अज्ञानता मानसिक कमजोरी का मूल कारण है। अनुशासनहीनता और आलस्य मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये आदतें आत्म विकास और प्रगति को रोकती हैं। हिंसा और क्रोध, हिंसात्मक विचार और क्रोध मन को अशांत करते हैं और सहानुभूति तथा करुणा की भावना को कमजोर करते हैं। अस्वास्थ्यकर जीवन शैली, अनियमित नींद, अस्वास्थ्यकर आहार और शारीरिक व्यायाम की कमी मानसिक क्षमता को प्रभावित करती है। बौद्ध दर्शन में सुझाए गए मार्ग जैसे कि 8 गुना मार्ग, इन आदतों से बचने और मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य में सुधार करने के तरीके प्रदान करते हैं। बौद्ध धर्म में सुझाई गई कुछ आदतें और अभ्यास जो मानसिक शक्ति और स्थिरता को बढ़ावा देते हैं, इसमें से 1, ध्यान और माइंडफुलनेस। नियमित ध्यान और माइंडफुलनेस का अभ्यास मन को शांत और केंद्रित बनाता है, जिससे तनाव कम होता है और एकाग्रता बढ़ती है। 2, सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच और अच्छाई की खोज आत्मसंतोष और मानसिक शांति में वृद्धि करती है। 3, करुणा और मैत्री। दूसरों के प्रति करुणा और मैत्री की भावना विकसित करना आपके अपने मन को भी खुशी और शांति प्रदान करता है। 4, उचित आजीविका। एक ऐसी आजीविका चुनना जो नैतिकता और बौद्ध शिक्षाओं के अनुरूप हो, आत्मसम्मान और संतोष में वृद्धि करता है। 5, आत्म अनुशासन और नियमितता। जीवन में आत्म अनुशासन और नियमितता लाने से मानसिक शक्ति में वृद्धि होती है, जैसे कि नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद। 6, ज्ञान की खोज। अध्ययन और सीखने की आदत से ज्ञान में वृद्धि होती है, जो मानसिक विकास और विस्तार को बढ़ावा देती है। 7, संयम और विवेक। इंद्रियों पर संयम और विवेकपूर्ण निर्णय लेने से मानसिक और भावनात्मक स्थिरता में वृद्धि होती है। ये आदतें और अभ्यास न केवल दिमाग को मजबूत बनाते हैं, बल्कि एक सुखी और सार्थक जीवन जीने के लिए आधार भी प्रदान करते हैं। दिमाग तेज करने के लिए बौद्ध धर्म से प्रेरित कुछ साधन हैं। 1, मेडिटेशन, ध्यान। बौद्ध धर्म में ध्यान को बहुत महत्व दिया गया है। ध्यान से न केवल आपका दिमाग शांत होता है, बल्कि एकाग्रता और याददाश्त भी बढ़ती है। रोजाना कम से कम 10-15 मिनट ध्यान करें। 2, माइंडफुलनेस, वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जीने की कला। जब भी खाएं, पढ़ें या चलें, पूरा ध्यान उसी काम में लगाएं। ये दिमाग की एकाग्रता को बढ़ाता है। 3, सही आहार। बौद्ध धर्म में सात्विक आहार पर जोर दिया गया है। फल, सब्जियां, नट्स और दालें जैसे पौष्टिक आहार लेने से दिमाग स्वस्थ रहता है। 4, शारीरिक व्यायाम। रोजाना शारीरिक व्यायाम करने से न केवल शरीर बल्कि दिमाग भी सक्रिय रहता है। योग और ताइची जैसी गतिविधियां खासकर फायदेमंद होती हैं। 5, समय के साथ लचीलापन। जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करते समय धैर्य और लचीलापन विकसित करना, इससे तनाव कम होता है और दिमाग स्वस्थ रहता है। 6, अच्छी नींद। पर्याप्त और गहरी नींद लेने से दिमाग तरोताजा रहता है और याददाश्त में सुधार होता है। ये सभी उपाय न केवल दिमाग को तेज करते हैं, बल्कि आपके जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार करते हैं। एक बार की बात है, एक युवा भिक्षु ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, मैं अपने मन को विचलित होने से कैसे रोक सकता हूँ? मैं अपने दिमाग को तेज कैसे बना सकता हूँ? गुरु ने उसे एक कटोरा पानी से भर कर दिया और कहा, इस कटोरे को अपने हाथों में लेकर आश्रम के चारों ओर चलो, लेकिन ध्यान रहे कि इसमें से एक भी बूंद पानी नहीं गिरनी चाहिए। युवा भिक्षु ने गुरु की आज्ञा का पालन किया। पूरे समय उसका सारा ध्यान कटोरे पर केंद्रित था ताकि पानी न गिरे। जब वह वापस आया तो गुरु ने पूछा, तुम्हारे चलते समय तुम्हारे मन में क्या चल रहा था? युवा भिक्षु ने उत्तर दिया, मेरा सारा ध्यान केवल पानी को गिरने से रोकने पर था। गुरु मुस्कुराए और बोले, जब तुम्हारा ध्यान पूरी तरह से एक कार्य पर केंद्रित होता है तो तुम्हारा मन विचलित नहीं होता। इसी तरह जब तुम अपनी सारी ऊर्जा और ध्यान एक ही दिशा में लगाओगे, तब तुम्हारा दिमाग तेज होगा। ध्यान और एकाग्रता के अभ्यास से तुम अपने मन को वश में कर सकते हो। इस कहानी के माध्यम से हमें सीखने को मिलता है कि दिमाग को तेज करने के लिए ध्यान और एकाग्रता का अभ्यास महत्वपूर्ण है। जब हम अपने मन को एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं तो हम अपनी मानसिक शक्तियों को बढ़ा सकते हैं और अधिक प्रभावी ढंग से सोच सकते हैं।
बौद्ध धर्म के अनुसार दर्द और दुख जीवन के अटल सत्यों में से एक हैं। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में चार आर्य सत्यों की बात की है, जिसका पहला सत्य है कि जीवन में दुख है। दुख, यह स्वीकारना कि दुख जीवन का एक हिस्सा है, हमें इसे समझने और इसे पार पाने की दिशा में पहला कदम उठाने की अनुमति देता है। हालांकि बौद्ध धर्म यह भी सिखाता है कि जबकि दुख अवश्यम भावी है, पीड़ा, दुख के प्रति हमारी प्रतिक्रिया वैकल्पिक है। हमारे दृष्टिकोण, हमारी समझ और हमारी प्रतिक्रियाओं के माध्यम से हम दुख के अनुभव से बढ़ सकते हैं और उसे पार कर सकते हैं। दर्द और दुख हमें कुछ महत्वपूर्ण सबक सिखा सकते हैं, सहानुभूति और करुणा। अपने दुख और दूसरों के दुख को समझने से हमें करुणा का भाव विकसित होता है। मोह और आसक्ति को छोड़ना, दुख हमें सिखाता है कि बाहरी चीजों और उम्मीदों पर निर्भरता से मुक्ति पाना कितना जरूरी है। आंतरिक शक्ति और सहनशीलता, दुखों का सामना करके हम आंतरिक रूप से मजबूत बनते हैं। जीवन की अस्थिरता को स्वीकार करना, दर्द यह सिखाता है कि जीवन निरंतर परिवर्तनशील है और इसे स्वीकार करना हमें अधिक स्थिर और संतुलित बनाता है। इसलिए दर्द और दुख को जीवन के एक अनिवार्य हिस्से के रूप में स्वीकार करना और उससे सीखना होता है। दर्द और पीड़ा को जीवन का अविभाज्य हिस्सा माना जाता है और बौद्ध धर्म में इसे गहराई से समझाया गया है। बौद्ध धर्म की चार आर्य सत्य, चार नोबल ट्रुथ्स की शिक्षा इसी पर आधारित है। दुह का अस्तित्व, दुह का कारण, दुह के अंत की संभावना और दुह के अंत का मार्ग। यहां दर्द और दुह के महत्व को समझाती है एक समय की बात है। एक बौद्ध गुरु ने अपने शिष्यों को जीवन की अनिश्चितताओं और दर्द के महत्व को समझाने के लिए एक कहानी सुनाई। किसी गांव में एक किसान के पास एक घोड़ा था जिस पर उसकी पूरी आजीविका निर्भर थी। एक दिन घोड़ा भाग गया। गांव वाले किसान के पास आए और बोले, यह तो बहुत बुरा हो गया। लेकिन किसान ने जवाब दिया, शायद शायद नहीं। कुछ दिनों बाद घोड़ा वापस आ गया और अपने साथ कई जंगली घोड़े भी ले आया। गांव वाले फिर किसान के पास आए और बोले, तुम सही थे, ये तो बहुत अच्छा हो गया। किसान ने फिर जवाब दिया, शायद शायद नहीं। अगले सप्ताह किसान का बेटा जंगली घोड़ों को साधते समय गिर गया और उसकी टांग टूट गई। गांव वाले फिर आए और बोले, ये तो वाकई में बुरा हो गया। किसान ने फिर जवाब दिया, शायद शायद नहीं। कुछ ही दिनों बाद एक युद्ध शुरू हुआ और सभी युवा पुरुषों को सेना में भर्ती किया जाने लगा। किसान का बेटा जिसकी टांग टूटी थी उसे नहीं लिया गया। गांव वाले बोले, तुम्हारा बेटा तो बच गया, ये तो बहुत अच्छा हुआ। किसान ने फिर जवाब दिया, शायद शायद नहीं। बौद्ध दर्शन के अनुसार जीवन में दुःख का अनुभव सामान्य है और इसे चार आर्य सत्य, चार नोबल सच्चाइयों के माध्यम से समझाया गया है। पहला आर्य सत्य यह है कि जीवन दुःखमय है। यह दुःख विभिन्न रूपों में आता है, जैसे जन्म, बीमारी, मृत्यु और उन चीजों का अनुभव न कर पाना जो हम चाहते हैं, या उन चीजों का अनुभव करना जो हम नहीं चाहते। दूसरा आर्य सत्य दुःख का कारण है, जो तृष्णा और इच्छा के कारण उत्पन्न होता है। यह इच्छा न केवल भौतिक वस्तुओं के लिए होती है, बल्कि सुख, संपत्ति और यहां तक कि विचारों और विचारधाराओं के लिए भी होती है। तीसरा आर्य सत्य यह है कि दुख का अंत संभव है। यह निर्वाण की अवस्था के माध्यम से संभव है, जहां व्यक्ति तृष्णा को छोड़ देता है और पूर्ण शांति का अनुभव करता है। चौथा आर्य सत्य इस दुख से मुक्ति का मार्ग दर्शाता है, जिसे आर्य अष्टांगिक मार्ग, दी नोबल एटफोल्ड पाथ कहा जाता है। यह मार्ग सही दृष्टिकोण, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही जीविका, सही व्यायाम, सही स्मृति और सही समाधि पर आधारित है। इस तरह बौद्ध दर्शन हमें यह समझाता है कि जीवन में दुख का अनुभव एक सामान्य भाग है, लेकिन इसे समझकर और आर्य अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके हम इस दुख से मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों, हमारी आज की यात्रा, जिसमें हमने बौद्ध दर्शन के माध्यम से एक अनमोल कहानी का अनुभव किया, अब समाप्त होती है। हमें आशा है कि इस कहानी ने न केवल आपको मनोरंजन प्रदान किया, बल्कि आपको जीवन के प्रति एक नई दृष्टि और समझ भी दी। यदि यह कहानी आपके दिल को छू गई है तो कृपया इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कृपया अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें। आइए हम सभी इन शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करें और एक अधिक शांतिपूर्ण, समझदारी भरा जीवन जीने की दिशा में कदम बढ़ाएं।
अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और नमो बुधाय।